हमारा टॉपिक है उसमें हमारा कवर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप सब जैसे जानते हैं, हिंदी में हम बोलते हैं वातावरण मंडलीय दबाव। एग्जैक्टली अगर बोल दो तो जो वायुमंडल के कारण दबाव पड़ता है, मतलब एटमॉस्फेयर के कारण आपके ऊपर प्रेशर पड़ता है, उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। होता क्या है, आपको पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं इसके बारे में मैं, तो प्रेशर पे जो ये वीडियो बना रखी उस पर मैं लिंक दे रहा हूं आपको, आप एक बार जरूर देखिए उस वीडियो को। तो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे होता है, देखिए आपके सर के ऊपर मैं एक घड़ा रख दूं पानी का, ठीक है, तो आपके ऊपर प्रेशर होगा। आपके ऊपर दूसरा एक और घड़ा रख दूं तो और ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा, एक और रख दूं तो और ज्यादा, तो धीरे धीरे आपके ऊपर प्रेशर बिल्ड अप हो रहा है। मतलब आपके ऊपर जितनी ज्यादा पानी होगा, जितना ज्यादा एयर होगा, उतनी ज्यादा आपके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। तो आप सब, हम सब जो रह रहे हैं वो धरती पे सरफेस पे रह रहे हैं, तो यहां पे हम मान लीजिए रह रहे हैं, और हमारे सबके ऊपर एक एटमॉस्फेयर है जो एक लिमिटेड साइज का है, यहां तक है। तो इतनी जो एयर आपके ऊपर सर के ऊपर है, इसके कारण आप पे प्रेशर पड़ रहा है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए हमारे पास बैरोमीटर होता है, बैरोमीटर के थ्रू हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर माप सकते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस तरह से मापा भी जा सकता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम भी होता है जैसे जैसे आप पहाड़ों पर चढ़ते हैं। मान लीजिए आप पहाड़ पे चढ़ गए यहां पे, तो यहां पे आप जब चढ़ जाते हैं, यहां पे पहुंच जाते हैं, तो ये प्रेशर कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है आपके ऊपर प्रेशर, क्योंकि यहां पे एयर की क्वांटिटी आपके सर के ऊपर कम हो चुकी है और ग्रेविटी खींच रही है एयर को, वो अब जो यहां पे एयर है वो कम है, इसके लिए आपके ऊपर एटमोस्फेयर प्रेशर भी कम हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं आगे। देखिए एक बात समझ लीजिए कि एटमोस्फेरिक प्रेशर ऐसा टाइम भी था कि जब लोगों को पता ही नहीं था एटमॉस्फेरिक प्रेशर नाम की कोई चीज है या नहीं। तो धीरे धीरे खोज हुई, इन्वेंशन हुई, और बताया गया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कोई चीज है। जब तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं था, हम एक लेवल को जीरो मानते थे, इसे जीरो बार मान लेते, जीरो। तो वहां से हम कैलकुलेशन करनी शुरू करते थे। मैं कहता था, मान लीजिए कि मेरे पास प्रेशर किसी चीज का है 5 bar, मैं ऐसे ही कुछ भी मान रहा हूं, तो मान ले कि 5 bar प्रेशर है इस तरह से, तो ये जीरो से माप रहे थे, ठीक है। और जीरो किसको मान रहे थे, हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को तो एडअप कर ही नहीं रहे थे। धीरे धीरे हमें पता लगा कि नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नाम की भी कोई चीज है, और जिसे हम जीरो मान रहे हैं, जीरो नहीं एक्चुअली 1 है। तो ये जो जीरो था, ये हमारा हाइपोथेटिकल था, हमारा है नहीं था, लेकिन हम सोच रहे थे कि ये जीरो है। लेकिन हो था क्या, ये था यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा था, और अब एग्जैक्ट जो जीरो है ये है 0 bar, वो क्या था, वो था 1 bar। लेकिन पहले अगर मापते थे तो हमें उसकी नाम भी देना पड़ेगा उसे। तो एक ये लाइन है, देखिए ब्लैक वाली और एक ब्लू वाली। जब भी आप ब्लैक वाली से मापना शुरू करते हैं प्रेशर को, तो उसको हम बोलते हैं गेज प्रेशर। आप इसे क्या बोलेंगे, गेज प्रेशर, बस पॉजिटिव गेज प्रेशर बोल दूं, बस पॉजिटिव गेज प्रेशर, ठीक है। और दूसरा, मैं अगर यहां से मापना शुरू करूं, देखिए भागना शुरू करना है आपने, अगर यहां से भागना शुरू करोगे तो 5 kilometer भागना पड़ेगा आपको, अगर लेकिन यहां से भागना शुरू करोगे तो आपको एक्चुअली 6 किलोमीटर कवर करना पड़ रहा है, ध्यान से देखिए इसे, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको करता हूं कि यहां से मैं अगर मापना शुरू करूं, यहां से, ठीक है, तो यहां से जब मापना शुरू किया, यहां तक मैं पहुंचा, तो एक्चुअली ये 6 bar था, 6 bar। अब ये इसका प्रेशर का नाम होगा, वो होगा एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, बात समझे।
स्टार्टिंग से चलते हैं, जब हमें एटमोस्फेयर प्रेशर नहीं पता था हम उसे जीरो मान रहे थे, जो हमारे ऊपर एयर थी हमें उसे कैलकुलेट नहीं कर रहे थे, हम उसे कैलकुलेशन में नहीं लेते थे, तो वो जीरो मानते थे, डेटम लाइन मानते थे। लेकिन बाद में पता चला हमारे ऊपर एटमोस्फेयर प्रेशर भी पड़ रहा है, उसे काउंट ही नहीं कर रहे हैं, तो वहां से जब मापना शुरू किया एक्चुअल जीरो से, तो उसका नाम एब्सोल्यूट प्रेशर। जब जीरो से नहीं मापते, वन एटमोस्फेयर प्रेशर से शुरू करते होते पॉजिटिव गेज प्रेशर। समझ आ रहा है? ठीक है, अभी इसी तरह अगर नीचे चले, देखिए अगर ये जीरो नहीं है मतलब ये इतना वन है, तो नीचे भी प्रेशर हो सकता है। ठीक है, नीचे प्रेशर होने का मतलब क्या है, इसको मैं यहां पे बना दू, मान ले मैं मानता हूं कि यहां पे प्रेशर था कुछ, ये कम था प्रेशर, एटमोस्फेरिक से भी कम था। अब देखिए हमें जब पता लगा कि एटमोस्फेरिक प्रेशर से भी कम हो सकता है प्रेशर, तो हमें उसका नाम नाम नामकरण करना पड़ा, नाम देने पड़े उसे। तो एटमोस्फेयर प्रेशर से भी कम प्रेशर हमने ये देखी, ये वाला है मान ले। अब आप खुद बताइए कि अगर मान लो यहां से मापे नीचे की ओर आए, तो ये मान लीजिए कि 0.6 बार है ना, ये 0.6 बार पे था जो आपका प्रेशर एटमोस्फेयर, वो 0.6 बार है। लेकिन यहां ऊपर से जब नीचे आएंगे तो यहां से 0.4 बार नेगेटिव गेज प्रेशर, नेगेटिव गेज प्रेशर। और मैं नीचे से ऊपर आता हूं यहां से, तो 0.6 बार कौन सा प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर। आप बात को अब समझिए थोड़ा सा, ठीक है, एक बार पीछे चलते हैं। यहां पे क्या था एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर था एटमोस्फेरिक प्लस गेज प्रेशर। तो मैं इसको लिख दूं यहां पे, इसका एब्सोल्यूट प्रेशर क्या था, वो था एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस पॉजिटिव गेज प्रेशर, गेज प्रेशर, ठीक है, गेज प्रेशर। और यहां पे देखिए ये टोटल कितना है, एटमोस्फेरिक प्रेशर, और ये किसका सम है, एब्सोल्यूट और नेगेटिव गेज प्रेशर का। और नेगेटिव गेज प्रेशर को याद कर लीजिए, वैक्यूम प्रेशर भी बोलते हैं, वैक्यूम प्रेशर भी बोलते हैं। तो अब देखिए इसकी एक और इक्वेशन बनेगी, क्या बनी, एटमोस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट प्लस नेगेटिव गेज प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट प्रेशर प्लस नेगेटिव गेज प्रेशर या वैक्यूम प्रेशर। ये दो इक्वेशन आपको यूज होती है, काफी कंफ्यूजन होती थी बुक्स में, यहां गेज प्रेशर लिख देते थे, नेगेटिव भी नहीं लिखते सिर्फ गेज प्रेशर लिख देते थे, तो हमारी इक्वेशन नहीं बन पाती थी। मैं जब पढ़ता था तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ, यहाँ पे वैक्यूम की जगह नेगेटिव नेगेटिव भी नहीं लिखा, नेगेटिव गेज प्रेशर भी लिखा, सिर्फ गेज प्रेशर लिखा, तो मैं इसकी कंफ्यूजन में रहता था कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये दोनों प्लस है तो यहाँ पे इक्वेशन कैसे चेंज हो, तो दोनों इक्वेशन अलग हो गए। लास्ट बार एक बार समझा रहा हूं, अगर नहीं भी समझ आया फिर भी मुझे कमेंट में पूछ सकते, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं। और पहले इससे इस लाइन से जब मापना शुरू करोगे तो उसे गेज प्रेशर बोलेंगे। देखो यहां से चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, जब इस लाइन से मापना शुरू करते हैं, जो जीरो नहीं था, जो एक्चुअल जीरो वहां से मापेंगे उसका नाम तो एब्सोल्यूट ही है, जब एक्चुअल जीरो से मापोगे, क्योंकि एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, यही होता है, एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि सही पूरा पूरा। तो यहां से जब मापा तो एब्सोल्यूट, यहां से जब मापा तो एब्सोल्यूट, लेकिन यहां से जब मापा तो गेज, गेज बस पॉजिटिव गेज और नेगेटिव गेज। उम्मीद आपको समझ आएगी, तो आपको समझ आई तो कमेंट में जरूर लिखिए, ठीक है, थैंक यू सो मच।